कहेंगे कि बीजेपी जो है पूरे हरियाणा में चुनाव लड़ती तो वो बात था, लेकिन मेवात में सिर्फ चुनाव लड़ना ये अपने आप में हास्यपद बात है। जो विकास हमारा हो भी रहा था ना वो छीनने का काम किया। मांगे और यहाँ की जनता कोई बेवकूफ नहीं है कि इनकी इन बातों में आके इनको वोट देगी। हम तो यही कहते हैं कि बीजेपी कुछ काम कराती और जब जाके वोटों के लिए आती तो उसका वो बनता था, लेकिन बीजेपी काम ना करा के बीजेपी की नीयत लगता है कुछ और है। आज सबसे पहले तो हम यही कहना चाहते हैं कि हरियाणा पंचायती राज के चुनाव संपन्न होने हैं और पहले चरण में 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को और 2 नवंबर को हमारे ज़िले में चुनाव संपन्न होने हैं। हम सभी आमजन से, चुनाव में भागीदारी लेने वालों से और चुनाव में जो भी प्रत्याशी उतर रहे हैं उनसे सबसे यही अपील करते हैं, 2 साल के विलंब के बाद इसे लेकिन ये मौका मिला है, अपने अच्छे नुमाइंदे चुने जो दुख सुख में काम आए और जो आपकी कसौटी पे खरा उतरते हों उनको मौका दें, अमन से शांति प्रिय तरीके से जो है इसमें हिस्सा लें और अपनी जो ये मौका मिला है उसे करें और लोग अच्छे नुमाइंदे चुन के आए जिससे कि अपना विकास करवा सकें। कहेंगे कि बीजेपी जो है पूरे हरियाणा में चुनाव लड़ती तो वो बात था, लेकिन मेवात में सिर्फ चुनाव लड़ना ये अपने आप में हास्यपद बात है, क्योंकि इस जिले को आकांक्षावान जिले बनाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक इस जिले में विकास तो किया ही किया नहीं। जो विकास हमारा हो भी रहा था ना वो छीनने का काम किया है, चाहे सड़क गुड़गावा ये नूह अलवर 4 लेन की बात कर लें, चाहे अपने मेडिकल हसन खां मेडिकल कॉलेज में जो है चिकित्सक सुविधाओं की, डॉक्टरों की और वहाँ लोगों को फ़ायदा मिल सके उसकी बात कर लें, चाहे नहरी पानी की बात कर लें, चाहे मेवात कैनाल फीडर की बात कर लें, चाहे सरकार ने जो काम यहाँ शुरू करे कांग्रेस की सरकार ने उनको नहीं पूरा करा। यूनानी मेडिकल कॉलेज आज भी 8 साल के बाद अभी निर्माणाधीन है, आज तक ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की 8 साल बाद एक भी ईंट नहीं लगी है, आज तक कोई ऐसा काम इस सरकार ने नहीं किया जिसके बिना पे वोट मांगे। ये सिर्फ यहाँ लोगों को बेवकूफ़ समझती है और यहाँ के नेता जो हैं 3 साल में कभी भी यहाँ के लोगों की मांग उठी उसमें किसी का नहीं हुआ। चाहे किसान की बात कर लें, पिछले साल किसानों की फसल खराब हुई, हमने विधानसभा तक बात उठाई, 30,000 एकड़ का जो है खराबा जो माना, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं दिया। अब लाखों एकड़ जो है भारी बारिश की वजह से जलमग्न है, खेतों में बुआई नहीं होगी, पिछली फसल खराब होगी। सरकार ने और बीजेपी के किसी नेता ने आज तक तो कोई आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन लोगों से जो है अपने नुमाइंदे के तौर पे अपने उठाना चाहते हैं, तो इनका कोई मुंह नहीं था कि ये जनता के बीच में पार्टी के नुमाइंदे के तौर पे ये जाके और वोट मांगे। और यहाँ की जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है कि इनकी इन बातों में आके इनको वोट देगी। हम तो यही कहते हैं कि बीजेपी कुछ काम कराती और जब जाके वोटों के लिए आती तो उसका वो बनता था, लेकिन बीजेपी काम ना करा के बीजेपी की नीयत लगता है कुछ और है। सिर्फ सत्ता लोलोपिता इसको कर रही है कि हमारे जो है सत्ता में होना चाहिए, चाहे केंद्र में हो, चाहे राज्य में हो, चाहे छोटे पंचायत में, चाहे नगर पालिका परिषद हो। आज क्या हालात है सफाई कर्मचारी का, 11वां दिन छुट्टी पे, इनका कोई मतलब नहीं है विकास से किसी चीज़ से, ये सिर्फ अपनी सत्ता को प्राप्ति के लिए माध्यम करने और यहाँ की मेवात की जनता को एक माध्यम बनाते हैं, जिसे हम समझते हैं कि मेवात की जनता नहीं आने वाली, ना इतनी मेवात की जनता इतनी जो है ना समझ है कि अपने अच्छे और बुरे का फैसला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।